जिना से बढ़कर और कत्ल से बढ़कर अगर कोई गुना है तो आइए उसको सुन लीजिए। अल्लाह अल्लाह, कोई जिना करता है तो मेरा समाज उसका बायकॉट करता है, बिल्कुल करना चाहिए। कोई किसी का कत्ल करता है तो हमारी हुकूमत उसको जय वो उम्र कैद की सजा देती है। लेकिन आओ आओ, अपने मजहब में जिना से बढ़कर कत्ल से बढ़कर एक गुना है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह करे हम कोई उसमें शामिल ना हो जो जिना और कत्ल से बढ़कर है। कीमियाए सआदत में हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली ने लिखा, और भी कुतुब के अंदर है, लेकिन मैं जहां से पढ़ रहा हूं वो हुज्जतुल इस्लाम को पढ़ रहा हूं। दिल के कानों से सुनना, अगर बहने मौजूद है उनकी भी तवज्जो चाहता हूं। याद रखना, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं मैं कोई खतीब आदमी नहीं, मैं तो सिर्फ दिल का दर्द लेकर आपके दिलों के दरवाजे तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अपने आप पे रहम कर लो। इस दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आए हो, इससे पहले इस दुनिया में कभी नहीं आए थे, इसके बाद इस दुनिया में कभी नहीं आओगे। अल्लाह ने पहली और आखिरी मर्तबा चांस दिया है, और दुनिया में क्यों भेजा? खेतियां करने नहीं भेजा, पाप करने नहीं भेजा, दुनिया में डूबने नहीं भेजा, आवारगी करने नहीं भेजा, अय्याशी करने नहीं भेजा। कुरान कहता है अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आजमाए, तुम्हारी जांच करे, तुम्हारा इम्तिहान ले कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। अच्छे अमल के लिए आए, नशा करने नहीं आए, अच्छे अमल के लिए आए, औरतों पे पाप की नजर डालने नहीं आए, अच्छे अमल के लिए आए, पेट भर खाके नींद भर सोने नहीं आए। कत्ल और जिना से बड़ा गुना कौन सा है? अल्लाह करे आप में से कोई उसमें ना हो। लेकिन आइए देखते क्या है। हदीस पढ़ते, एक औरत हजरत कलीमुल्लाह मूसा अलैहि सलाम के पास आई और हजरत मूसा से कहा, अल्लाह के कलीम, अल्लाह के कलीम, मुझसे बहुत बड़ा गुना हो गया, मुझसे बड़ा पाप हो गया, और अब मैं तौबा करना चाहती हूं, क्या मेरी तौबा कबूल है? तो हजरत मूसा ने कहा, क्या गुना हुआ अल्लाह की बंदी, क्या गुना हुआ? तो उसने कहा, अल्लाह के कलीम, मुझे बताते हुए शर्म आती है, मैं आपसे क्या बताऊं? आपने फरमाया बता दो ताकि मुझे पता चले कि तूने किया क्या है, ताकि मैं तुझे उम्मीद बंधाऊं, मैं तुझे उम्मीद दिलाऊं, ताकि तेरी तौबा की कबूलियत की तुझे बशारत सुनाऊं। उस औरत ने कहा, ए अल्लाह के कलीम, मैंने जिना किया, किसी के साथ मुंह काला किया। हजरत मूसा लरज गए, क्योंकि जो जितना अल्लाह का महबूब होता है वो उतना अल्लाह से डरता है, जो जितना अल्लाह का मुकर्रब होता है वो अल्लाह से उतना डरता है। हजरत मूसा लरस गए, फिर उसने कहा, अल्लाह के कलीम, सिर्फ बदकारी जिना नहीं किया, उससे बच्चा पैदा हुआ, तो सोचा कि बच्चे को कहाँ ले जाऊंगी, तो वो बच्चे को ले जाऊंगी तो लोग मुझे देखेंगे और मैं बदनाम हो जाऊंगी, तो मैंने बच्चे को ज़बह कर दिया, कत्ल कर दिया। मेरे आका ने सलाम फरमाते हैं, जो किसी बेगुनाह को कत्ल करेगा वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा, उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। यहाँ एक बात अर्ज करूँ, हो सकता है कोई सोच रहा हो, अरे मौलाना आजकल कौन किसको कत्ल करता है? मैं कहता हूँ, आप अपने बच्चों के कातिल भी तो हो सकते हैं ना। आज माँ के पेट में बच्चों को गिराया जा रहा है, बच्चों को काटा जा रहा है, बेटे रहते हैं तो बछा लिया जाता है, बेटियां रहती हैं तो काट दिया जाता है, तीन के बाद चौथा आए तो काट दिया जाता है। नफसानी शौक तो बहुत है आदमी को, लेकिन बच्चों के पालने की हिम्मत नहीं। कौन कहता है कि बच्चों को हम पालते? कौन कहता है हम पालते? अल्लाह कहता है तुम नहीं पालते, वो अल्लाह है जो तुम्हारे बच्चों को भी खिलाता है और तुमको भी खिलाता है। अगर बच्चों को हम खिलाते हैं, पैदा होने के बाद हम खिलाते हैं, मां के पेट में कौन खिलाता है? मां के सीने में गिजा कौन पैदा करता है? कोई नहीं खिलाता किसी को, अल्लाह खिलाता है। इसलिए बच्चों को कत्ल ना करो, दूसरों के देखा देखी बेहया बेगैरत ना बनो। और रही बात बेटी की, कहते बेटी पैदा होगी, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे पालेंगे, कैसे जहेज तैयार करेंगे, कैसे शादी करेंगे? मैंने कहा, जहेज की तो मैं ताईद नहीं करता, जालिम माशरा है, लेकिन आपसे कहता हूं, बेटी और बेटे की पैदाइश का फर्क सुन लो। हमारे बुजुर्गों ने कहा, जब बेटा पैदा होता है तो मशीयत कहती है जा ताकि तू तेरे बाप की मदद कर,
और जब बेटी पैदा होती है तो मशीयत कहती है जा ताकि मैं खुद तेरे बाप की मदद करूं। बेटा बाप का मददगार बनकर आता है, लेकिन बेटा गद्दार हो जाए तो मदद नहीं करता, लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो खुदा की मदद खुद उतरती है और खुदा की मदद कभी गद्दारी नहीं कर सकते। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। और सुनो, बेटी का बाप होना ऐब नहीं है बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। आका इरशाद फरमाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बनकर आया हूं। अल्लाह के सब की कसम, किसी के हजारों बेटे एक पल्ले में रखे जाए और रसूलुल्लाह की शहजादी है सैयदा फातिमा एक पल्ले में हो तो किसी के हजारों बेटे नबी की एक शहजादी का मुकाबला नहीं कर। कहती हो आशिक रसूल है, आशिक को बेटी से नफरत कैसे? अगर आशिक का इश्क देखना है तो अजमेर मुकद्दस जाके देख। गरीब नवाज के चार बेटे और कम से कम तीन, तीन पर ही अगर आप तारीखी रिवायत के मुताबिक एतबार करें, ख्वाजा जियाउद्दीन दूर, ख्वाजा उसामुद्दीन दूर, ख्वाजा फखरुद्दीन दूर, जिसको कदमों में सुलाया है वो बेटा नहीं है सैयदा हाफिजा जमाल है। गरीब नवाज बता रहे, गरीब नवाज बता रहे कि हमें बेटी से कितना प्यार, हमें बेटी क्यों जब नबी ने प्यार और कितना प्यार किया। अब मेरे इमाम कहते हैं, कहते हैं सैयदा जाहिरा, सैयदा जाहिरा, तैयबा ताहिरा। और आगे का जो मिसरा है वो लखनऊ और दिल्ली में पढ़ने वाला है, लेकिन राजस्थान में इसलिए पढ़ रहा हूं कि ये गरीब नवाज का पड़ोस है। क्या है सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो रसूल जो हर बेकरार दिल का करार है, उस रसूल के दिल का भी कोई करार है, उसी दिल के करार को सैयदा फातिमा कहते हैं। वो कौन रसूलुल्लाह से इश्क का दावा करने, बेटियों को मां के पेट में कत्ल करें, बच्चों को खौफ से, गुर्बत के खौफ से कत्ल करें, कयामत के दिन वो बच्चे और बच्चियां बगैर सर के अल्लाह की अदालत में आएगी और कहेंगे अल्लाह हमारे माँ बाप से पूछ हमने क्या गलती की, क्या कसूर किया था। तो अल्लाह फरमाएगा आज अदल का दिन है, लाओ इनके माँ बाप को पकड़ के लाए, इन ये बेसर के बच्चे तुम्हारे हमारे, हाँ क्या कसूर किया था इन्होंने, हम इन्हें नहीं जानते का, लेकिन ये तुम्हें जानते, तुमने चमचों से, कांटों से, डॉक्टर के मकर फरेब से पेट में टुकड़े कर करके उसे गटरों में बहाया था, ये सोच करके कोई पूछेगा नहीं। लेकिन यहां तो फमन यामल मिसकाल जर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिसकाल जर्रतिन शर्रन यरा। अगर मेरी बहनें होती तो मैं उनसे भी कहता, बच्चों को मां के पेट में कत्ल करके कातिल बन रहे हो, जन्नत की खुशबू भी हराम है, हराम, बच्चों को कत्ल ना करो। लोगों को गाड़ियों पर लिखने का शौक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह मकर है, मकर मक्कारी है। रसूलुल्लाह ने 1450 साल पहले बेटियां बचा कर भी दी, बेटियां पढ़ा कर भी दी। जब औरों की बेटियां जाहिल थी तब मेरे नबी ने सिद्दीक अकबर की बेटी को मुफ्ती चार मिल्लत की हैसियत से जो है वो मुतारफ कराया। हाँ, जहां मर्द चुप हो जाते थे वहां सिद्दीक की शहजादी सिद्दीका बोलती थी, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होते। लोगों को आज शऊर आता है और आपको भी ये बेहिसी कि इस्लाम में क्या है। मैंने कहा इस्लाम में वो है जो औरों को 1500 साल के बाद ख्वाब दिखता है, इस्लाम 1500 साल पहले उसकी हकीकत बयान कर देता है। ये इस्लाम है, इसलिए कि ये किसी की मेज पे नहीं निकला, ये रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ है। तो बात दूर ना निकले, बात जल्दी जल्दी समेटते हैं कि वो खातून ने कहा मैंने कत्ल किया,
मैंने कत्ल किया और जिना किया, तो सत्य मूसा ने कहा निकल जल्दी भाग भाग जल्दी से भाग, तेरी वजह से कहीं आग न बरस पड़े, निकल यहां जल्दी जा। वो औरत रोती हुई निकल गई, रो रही थी। जिब्रील अमीन आए तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, ए मूसा कलीम आपने उस औरत को निकाल क्यों दिया? कहा मूसा अलैहिस्सलाम कहते जिब्रील क्या बड़ा गुनाह करके आई, जिना और कत्ल, जिना और कत्ल, जिना और कत्ल, उसका हाल क्या होगा? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की, ए अल्लाह के पैगंबर मैं आपको ये ना बताऊं, इससे बड़ा गुनाह भी दुनिया में है, इससे बड़ा गुनाह भी दुनिया में है, और इसको जो अजाब होना है अगर इसकी तौबा कबूल ना हुई, इसको जो इससे बड़ा अजाब उनको होगा तो इससे बड़ा गुनाह करेंगे। तो हजरत मूसा ने ताज्जुब किया, इससे बड़ा गुनाह भी लोग करेंगे? हाँ, क्या है, क्या है? अब सुनो, जिना और कत्ल से बड़ा गुनाह क्या है? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दे वो इस औरत से ज्यादा गुनहगार है, वो इस औरत से ज्यादा पापी है, उनको इस औरत से ज्यादा अजाब होगा। मेरे अजीज, हंसने की बात नहीं, गौर तो करो, जानियों को, कातिलों को जो अजाब होगा उससे बड़ा अजाब बेनमाजियों को। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है, उस वादी का हाल यह है कि अगर उसमें पहाड़ डाल दिए जाए, पहाड़, तो पहाड़ भी पिघल जाए, पहाड़ भी उस जहन्नम की वादी में पिघल जाए। और एक दिन में 5 मरतबा जहन्नम उस वादी से पना मांगता है, उसमें बेनमाजियों को डाला जाएगा।